हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। विक्रम सर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स में आज का मेरा डेरिवेशन है गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम साबित करें। ये भी 5 मार्क्स का है, सिलेबस के अनुसार ये 5 मार्क्स का है। अगर हम झारखंड बोर्ड की, बिहार बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का हम कह नहीं सकते कि 3 मार्क्स में दे या 5 मार्क्स में दे। तो सिलेबस के अनुसार यह है 5 नंबर का, गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम साबित करें। तो सबसे पहले हम गोला खींचे, ये इसके अंदर Q1 आवेश डाले, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। मान लिया किसी गोले के अंदर, मान लिया ये गोला है, किसी गोले के अंदर क्या है, Q1 आवेश स्थित है जिसकी त्रिज्या जो है क्या है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। तो इसके सतह पर सबसे पहले हम फ्लक्स निकालने के लिए छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, जिसकी दिशा क्या होती है, सतह के लंबवत, यानी कि सतह ऐसा है तो ऐसे निकलेगा, डेल्टा ए वेक्टर, छोटा सा क्षेत्रफल लिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्यू आवेश है तो चारों तरफ निकल रहा है, पॉजिटिव चार्जिंग है तो ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या होगी, समान दिशा में। तो लिखेंगे छोटा सा क्षेत्रफल, ये का छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं, डेल्टा ए वेक्टर तथा यानी कि ई वेक्टर की दिशा जो है क्या है, समान है। इसके बीच का कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम छोटे से सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, तो ले लेंगे सब इस छोटे से सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ए वेक्टर। जब इसको तोड़ेंगे तो टूटने के बाद क्या होगा, वेक्टर तो टूट जाएगा, ई डॉट डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा में, तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा का जो मान है 0 डिग्री, यानी कॉस 0, तो 0 का मान 1, तो ई डेल्टा ए निकला ये छोटा सा फ्लक्स इस सतह के लिए निकला ये मान ई डेल्टा ए। अब हमको निकालना पूरे सतह के लिए, अतः पूरे सतह के लिए फ्लक्स का मान, यानी कि फाई टोटल बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डेल्टा ए, जो मान ये निकला, यानी सबसे पहले डाल देते हैं हम डेल्टा फाई, तो चलते हैं यहां फाई टोटल बराबर, इसका मान क्या निकला है, तो ये ई डेल्टा ए, ई जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र का परिणाम यह पूरे सतह के लिए समान होता है। यानी कि कांस्टेंट होता है, पूरे क्या होता है, कांस्टेंट, इसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बराबर ई को बाहर कर लेंगे तो बचता है डेल्टा ए, यानी क्या, ये गोला है, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। छोटा सा क्षेत्रफल पहले लिए, अब पूरे क्षेत्रफल निकालना है हमें पूरे सतह के लिए फ्लक्स का मान। तो क्षेत्रफल पूरा क्या होता है गोला का, 4 पाई स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो चलते हैं अतः गॉस के नियम से, अतः गॉस के नियम से क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या निकलेगा, गॉस के बारे में हम बताए थे कि किसी अंदर आवेश का क्या होता है, 1/ε0। तो यहाँ आवेश क्या लिए हम, क्यू वन लिए थे, गॉस में हम क्या लिए थे, क्यू। तो हुआ तो उसका 1/ε0, यहाँ क्या लिए हैं, तो क्यू वन। तो यहाँ जगह क्यू वन, ई बराबर हो जाएगा क्यू वन बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। हम बार बार छोटा छोटा मैथमेटिकल नहीं देखें, हम डायरेक्ट कर दिए, ये क्रॉस करके निकालना आपको, तो हम डायरेक्ट ये ला दिए। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर ऊपर उड़ गया, तो हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्रॉस कर देंगे, क्यू वन बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू ई। ये क्या है ई, तो ई बराबर क्या होगा, क्यू वन बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। यही चीज यहां हम लिखें, तो एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल लिखते हैं, एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या है, क्यू। सॉरी, एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, ई होता है। तो पी बिंदु पर लगने वाला बल, पी बिंदु पर स्थित क्यू टू आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल ई होता है। तो P बिंदु पर Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, तो चलते हैं F बराबर EQ2, एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल E, तो P बिंदु पर Q2 आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि बल को हम दर्शा रहे हैं F से, फोर्स, Q2 आवेश पर लगने वाला बल EQ2। तो चलते हैं F बराबर E का मान निकाल चुके हैं हम यहां, तो क्या निकाले, E का मान Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और यहाँ क्या निकला है, इनटू कर देंगे Q2। इतना मान हम बता चुके हैं, यानी कि K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बहुत बार हम 2-3 बार बता चुके हैं, अभी तीसरा बार हो चुका है। तो K का मान हो जाएगा, यानी कि K इतना मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही तो कूलम का नियम कहता है, K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, कूलम का नियम यही कहता है। तो सबसे पहले एक गोला लिए जिसके अंदर क्यू वन आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या क्या आर है, एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या किए, तो डेल्टा ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी कि इसकी दिशा भी क्या है, ई वेक्टर की दिशा समान। तो मान लीजिए किसी गोले के अंदर क्यू वन आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या आर है, एक छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए लेते हैं, डेल्टा ए वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा क्या समान है, ये छोटे सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो फाई टोटल यानी कि डेल्टा फाई बराबर निकाले, यानी कि ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर को तोड़ेंगे ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा, थीटा मान 0 यानी कि 1 हो गया। तो डेल्टा फाई बराबर ये इतना, अतः पूरे सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, सिर्फ छोटे सतह का इतना निकला, पूरे का निकालना, फाई टोटल बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मान है ई डेल्टा ए। विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या है, यह पूरे सतह के लिए समान होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, इसलिए इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर दिए, डेल्टा ए को जब
काटेंगे तो क्या निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका पूरे सतह का गोला का क्षेत्रफल, तो टोटल आ गया ई पाई आर स्क्वायर। अतः गॉस के नियम से क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, तो गॉस के परम हम क्या लिए थे, सिर्फ क्यू, तो यहाँ लिए हैं Q1, तो हो जाएगा Q1 बटे एप्सिलॉन जीरो। तो जब क्रॉस करेंगे तो आएगा ई बराबर Q1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या है, ई, यानी कि एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल ई। तो पी बिंदु पर Q2 आवेश पर लगने वाला बल एक कूलम यानी कि Q1, सिर्फ एक कूलम यानी कि Q, यानी कि Q आवेश पर लगने वाला बल ई, तो Q2 पर लगने वाला ई Q2 नहीं हो जाएगा, वही किए हैं। एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल ई होता तो पी बिंदु पर स्थित Q2 आवेश पर लगने वाला बल, बल को हम डिनोट किए एफ से, यानी कि फोर्स, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई Q2। यही E का मान हम निकाल चुके हैं, Q1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, यानी कि Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर इनटू Q2। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है K, तो K इनटू Q1 इनटू Q2, यानी Q1 बचता है इतना का मान हो जाता है K इनटू Q1 इनटू Q2 बटे R2। यही है कूलम का नियम, गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम साबित करें। ये सारा बना है क्या, गॉस का थ्योरम, सेम टू सेम है गॉस का थ्योरम, ला दिए कहाँ के, कूलम के नियम पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये 3 मार्क्स में पूछ सकता, 5 में पूछ सकता, कोई फिक्स नहीं है कितना में पूछेगा। तो कृपया आप लोग याद कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस करके जैसे वो याद कर लें। इसी के साथ थैंक यू, अगला वीडियो में फिर से हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक साथ।